महिलाओं के पहनावे को लेकर पाबंदियां लगाने के मामले में ईरान पिछले कुछ वक्त से दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच वहां से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये है कि ईरान की संसद ने एक बिल पास किया है। इस बिल में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनने से इनकार करने वाली महिलाओं और उनका साथ देने वालों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है, साथ ही भारी सजा का भी प्रावधान है। ईरान ने ये कदम महसा अमनी की मौत के एक साल पूरा होने के कुछ वक्त बाद उठाया है। महसा अमनी को तथाकथित इस्लामिक परिधान परंपरा का पालन न करने के आरोप में मोरालिटी पुलिस ने हिरासत में लिया था। बाद में अमनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। घटना के विरोध में देश में कई महीनों तक प्रदर्शन हुए थे और सत्ता विरोधी स्वर भी तेज हुए थे। पास हुए बिल में हिजाब न पहनने पर महिलाओं पर भारी जुर्माने के अलावा उन कारोबारियों को भी दंड देने का प्रावधान है जो हिजाब नहीं पहनी महिलाओं को सामान बेचते हैं या अन्य प्रकार की सेवाएं देते हैं। इस बिल के खिलाफ लामबंद होने पर अधिकार कार्यकर्ताओं को भी दंडित किए जाने का प्रावधान है। दोषियों को 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। पास हुए बिल को गार्डियन काउंसिल से अंतिम मंजूरी लेनी होगी। यह मौलवियों की एक इकाई है जो संवैधानिक निगरानीकर्ता के तौर पर काम करती है। आपको बता दें कि अमनी की मौत के बाद 16 सितंबर 2022 से प्रदर्शन शुरू हो गए थे। प्रदर्शनकारियों पर ईरानी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, जिससे इस साल की शुरुआत में जाकर प्रदर्शनों पर काबू पाया जा सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की कार्रवाई में 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मारे गए और 22,000 से ज्यादा को हिरासत में लिया गया था।